सलामैम मौाना साहब मेरा सवाल ये है कि अगर जा नमाज को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या उस पर शैतान नमाज पढ़ता है प्लीज़ इसका जवाब दें बिस्मिल्ल रन रही देखा जाए तो आपके सवाल में दो अलग अलग पहलू हैं पहला ये कि क्या जानमाज वगैरह खुली छोड़ना सही है या नहीं क्या उसे खुला छोड़ने से शैतान नमाज पढ़ लेता है तो इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कहीं भी दीनी तालीमात में हमें ये बात नहीं मिलती है अब सवाल ये पैदा होता है की ये बात क्यों हमारे माशरे में आम हुई है तो हो सकता है इसके आम होने की एक वजह यह हो कि इस तरह की दीनी चीजें जिनका ताल्लुक दीन से हो जैसे जाना माज सजदेगा कुरान मजीद वगैरह का हमारे माशरे में एक खास एहतराम है और कुरान मजीद में शायर इलाही की ताजीम का हुक्म आया है और बहुत मुमकिन है कि शायर के अदना मजदाक में इनका भी शुमार होता हो इसलिए हमारे बुजुर्गान ने ये चीजें आम की ताकि उनका एहतराम तकद्दस बाकी रहे और उनकी बेहरमती ना होने पाए तो अगर हम इस जाविये से देखें तो हाँ कह सकते हैं कि हर वो चीज ना सिर्फ जान के दीन में जिसका तकदस एहतराम है तो हम उसके साथ कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनका एहतराम पामाल हो जाए अब चाहे वो जानमाज को खुला छोड़ना हो या चाहे सचदगा को कैच करना लेकिन अगर जानमाज को खुला छोड़ने से उसकी बेहतरामी नहीं होती है तो फिर उसके खुला छोड़ने में भी कोई हरज नहीं है वो असला वरहमत लाही वरक दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को और दीगर ममिन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालत को पूछ सकते हैं या आप हमारे दी गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालत को पूछ सकते हैं अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ई मेल पर कि जो यहाँ पर मौजूद है पुरानी आई हमारी डिलीट हो चुकी है लिहाजा इस नई ई मेल पर आप अपने सवालत को भेज सकते हैं अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं पैट्रियन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर जरूर रबता करें